जो सरप्राइज सोचा था वो मतलब मेन प्रेजेंट तो मिला नहीं। वर्ड ब्लॉग तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि आज का ब्लॉग मैं नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज है 19 जून मीन्स फादर्स डे और पापा घर पे, तो उधर ब्लॉग करता तो क्योंकि मुझे पापा को सरप्राइज देना, तो उधर ब्लॉग करता तो पापा को सरप्राइज कैसे देता, क्योंकि पापा सुन लेते तो सरप्राइज नहीं रहता। तो गाइस चलते फटाफट पापा के लिए केक लेके आते हैं, और मम्मी जैसा कोई गिफ्ट, जैसे वुमेंस डे में हम लोग ने गिफ्ट किया था ना मम्मी को, वैसे कुछ गिफ्ट लेके आएंगे। तो गाइस चलते, काफ़ी काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ कि पापा का रिएक्शन कैसा आएगा। तो चलते हैं और फटाफट केक लेते हैं, केक ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा लेंगे, बिकॉज अभी सब ने खाना खाया है तो केक खाने के लिए जगह नहीं, वो तो खाली सेलिब्रेशन की वजह से केक लेने जा रहे, देखो सॉरी। तो चलते फिर लेके आते केक, आदेश का वेट कर रहा हूँ, चाबी लेने गया। और रही मौसम की बात, तो मौसम हो रखा है एकदम कूल। बाकी देखो गाइस आज सुबह बहुत बारिश हुई है, बहुत। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक, लेते और निकलते फटाफट, आदेश भी आ गए, अब निकलते फटाफट चलो। तो गई ये सारे स्टूडियोज मतलब बंद हैं, और जो खुले तो वो उनके पास प्रिंट ही नहीं है, तो चलते किधर देखते हैं अगर हो पाया तो। ठीक है देखो ये वाले केक में पूरा फ्रूट है, लेकिन वो लेना नहीं, अभी उधर से ही लिया है काफ़ी, और ऑफर भी है आज फादर्स डे पे। इधर आके कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा केक लेने का कौन सा नहीं, सब एक से एक दिख रहे। चलो गाइस फाइनली एक तो हमने ले लिया है और निकलते घर के लिए, पापा के लिए भी सरप्राइज लेना भी है, पार्सल ले लिया है और अब निकलते पापा के गिफ्ट लेने के लिए। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा वो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा हाइप बना रहे। कितने लोग के साथ हुआ है, मोबाइल की लाइट चालू रह गई और आप मस्त बात करते करते जा रहे हो। सोसाइटी के नीचे पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं घर पे। यार जो सरप्राइज सोचा था वो मतलब मेन प्रेजेंट तो मिला नहीं, तो अभी यही ठीक, कोई नहीं पापा को देंगे, खुश करेंगे, देखते पापा का रिएक्शन क्या आता है। नॉर्मली रहेगा मुझे पता है, क्योंकि उतना एक्साइटेड तो होंगे नहीं, लेकिन दिल से पापा को अच्छा लगेगा। तो घर आ गए, कब से मम्मी भी बोल रही थी कि मेरे जैसा गिफ्ट पापा के लिए भी लेके आना, अभी आगे हम लोग पापा भी आराम कर रहे हैं, पापा को जगाने, अब देखते पापा का मतलब क्या रिएक्शन आता है। काफ़ी अच्छा लगेगा पापा को इतना तो है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें करके ना मम्मी पापा बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। छोटे छोटे आप कुछ भी करोगे ना, जैसे उनके बर्थडे या कुछ भी अगर आया, शादी का साल की ना कुछ भी अगर उनके लिए कर दोगे ना, तो बहुत खुश, मतलब छोटे छोटे खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम लोग का कैसा है, कुछ बड़ा मिला तो अरे हाँ ये मिला भाई, ऐसा नहीं, उनको छोटे छोटे में ज़्यादा खुश रहते हो, क्योंकि बच्चे बच्चे देते हैं ना तो कुछ बात ही अलग होती है। इसे भी बात करते हैं, मम्मी क्या बोल रही हो, आप जैसा गिफ्ट तो मिला नहीं पापा को, बाकी आपसे कम भी नहीं उनका गिफ्ट, आप ला देना पापा के लिए बाद में। गाइस देवा बोल रही है बाद में ला देना, चलो ला देंगे गाइस बाद में, बोल रही है वैसे गिफ्ट ला के देना, मेरा और पापा दोनों का सेम गिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो कब याद है आप लोगों को, वैसा ही कुछ बोल रही है मम्मी। चलो वो भी ला देंगे। तो चिकू और अनुराग क्या कहना चाहेंगे, चिकू क्या कहना चाहेगा आज फादर्स आज के दिन, क्या कहेगा चिकू, चिकू को तो कुछ रखा ले नहीं है, चिकू का नहीं उंगलियों के पीछे भागते हैं। नहीं चिकू बहुत प्यार करता है पापा से भाई, हाँ मानता है बात, लेकिन मेरे उंगलियां बहुत पसंद है, अलग ही मतलब क्या देखो अभी वायर छोड़। चलते हैं, पापा उठ चुके हैं, अभी क्या हो रहा है। ये रहा पापा का हैप्पी फादर्स डे लिखा हुआ, अरे देखो हैप्पी फादर्स डे, पूरा माहौल सेटअप है, पापा का आने का वेट, और फिर देखते मतलब मैं सोच रहा हूँ पापा क्या सोचेंगे, पहले पापा के आने तक मुझे लग रहा है उससे पहले चिकू खत्म कर देगा केक। रहे हैं ये रे पापा, अब रिएक्शन देखते हैं। ए भाई आज क्या है, आज चिकू का बर्थडे, चिकू का बर्थडे, अरे देखो ना फादर्स डे लिखा पापा, केक काटते हैं, चिकू को तो मम्मी पकड़ी है, पापा लो बारिश भी काफी तेज आ रही है। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी बर्थडे नहीं हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस रुको पापा रुको, तो गाइस ये हैप्पी फादर्स डे, फादर्स डे कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। तो गाइस मेरे चिकू मम्मी पकड़ के रखा,
ये भी खिलाएंगे पापा को, इसको भी इनको खिला दो, चिको को खिला दो। आज चिको, वाह खाने में चिको अव्वल नंबर पे है गाइस देखो। और गाइस पापा के लिए एक और चीज है, आदेश लेके आ, आदेश देखा देखो गाइस, ये मेरी पसंद नहीं है, आदेश ने वो डिसाइड किया था, मैंने बोला जाने दो भी गिफ्ट देते पसंद नहीं, मदर्स डे पे मैंने दिया था तो आदेश भी बोलेगा फादर्स डे पे भी तू क्रेडिट। हां आगे करो तो गाइस एक टी-शर्ट लाके देने में बोल रहा है आग बंद कर दो। वाह हमारा छोटू बेटा कैसा लगा, कुछ कहना नहीं चाहेंगे बच्चों के? तू क्या खा रहा है? पापा मम्मी को भी खिला दो केक। मम्मी को खिला दो? खिलाओ केक। मम्मी को खिला देता हूँ। हाँ खाओ भाई आराम से खाओ। गाइस ये देखो ये लिए लड़ रहा है आदेश से। अरे 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 ने तो नया टी शर्ट ट्राई कर लिया है, इग्नोर वो पेट को इग्नोर करो क्योंकि नेचुरल है, पापा कहते हैं नेचुरल है। तो गाइस चलो अभी पापा तो जा रहे हैं, हम लोग भी चलते गाड़ी पे चार्ज में लगाते, ठीक है चलो। और गाड़ी अभी नीचे लगा दिए तो अभी चार्ज में लगा के घर चलते हैं। और ये राजी को देखो बारिश के असली मजे ले रहा है, पहली बार का चिकू, पहली बार नहीं दूसरी बार शायद। चिकू ऊपर तो आ गया लेकिन बिक गया है, तो जाता हूँ मैं ड्रायर मार लेता हूँ, ड्रायर मार देता हूँ चिकू को। बस पता है अभी क्या हुआ था, मम्मी एकदम डर गई, पूछो क्यों मम्मी क्यों बताओ आप। अरे वो पावर गाइस स्विच मम्मी ने लगाया तो पावर ही उड़ गया, पावर मतलब बंद हो गया होगा कुछ, अचानक से वो गिर गया, मम्मी एकदम डर गई क्या हो गया। तब से फिर मम्मी बोल रही अब जाने दे, अब गाड़ी चार्ज में नहीं लगाएंगे, बारिश है तो अभी नहीं लगाएंगे। तो अब यही बस चिकू को ड्रायर मार के ये वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है किधर, और मतलब अभी तो बारिश हो रही है काफ़ी। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी बारिश हो रही है, इसमें जाने लायक तो मतलब कोई चैलेंज तो ला नहीं सकते, जैसे कि मैंने लास्ट संडे को बोला था कि हर संडे हम चैलेंज लाएंगे, तो इसमें तो नहीं आ पाएगा चैलेंज, बट कोई नहीं कुछ और मैंने सोच लिया भाई, क्रिएटिव माइंड है क्रिएटर्स है भाई, तो कुछ सोच लिया है तो जाएंगे, थोड़ा बारिश कम हो रहा है, थोड़ा भी कम हुआ तो निकल जाएंगे, काफ़ी मज़ा भी आएगा क्योंकि सब रहेंगे। चलो फिर ये वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर ही देना, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।